सकते हो कि ऐसे करके करके आपको जो क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव आपको स्टडी करना है कल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ प्रवीर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, जिनकी थोड़ी भी पढ़ाई हुई होंगी, थोड़ी भी उनको आइडिया होगा कि उनको आगे इस महीने में एक महीने में क्या करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले फुर्सत में निकल लो, ठीक है, बिकॉज़ ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ओके। और इन कुछ दिनों में 30 दिनों में उनको कुछ करना है, कुछ ट्राई मारना है कि यार हो जाए तो हो जाए, इसी के लिए इन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, ओके। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो पूरा का पूरा जो है आपके ऊपर डिपेंड होगा, आप कितनी शिद्दत से उसको करते हो। अगर करेंगे ओके तो हो सकता है पास भी हो जाओ, हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट गिविंग श्योरिटी टू आप पास ही हो जाएंगे ऐसा करेंगे मैं जो बताऊँगा वैसे तो अगर लेकिन आपने कुछ करा नहीं है लेकिन आप फिर भी ट्राई मारना चाहते हो तो आप वीडियो को देखिए, ओके। आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे, ठीक है। नहीं सीखेंगे फिर भी आपको जो है अगले अटेम्प्ट में ज़रूरी काम में आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको जो है ICAI की साइट पे जाना है, ओके। ICAI पे साइट पे जाएंगे जब आप तो कुछ इस तरीके से आपको साइट दिखेगी, ओके। और आपको जो है पूरी शिद्दत से आपको इसको पढ़ना है बिकॉज टाइम आप वेस्ट करेंगे तो समझ लो आपको अगला अटेम्प्ट लगने वाला है, ठीक है। और निराश कभी मत होइएगा गाइस, ठीक है, बिकॉज आपने जो है जो मेहनत आप कर रहे हो एक ही महीने की आपकी मेहनत है, अगर आपने पहले से पढ़ाई की होती तो आपको ये दिन देखना ना पड़ता, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको जो है स्टूडेंट्स में जाना है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जाना है, बॉस मतलब BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज़, ओके। तो उसमें जाने के बाद में आपको इंटरमीडिएट कोर्स में जाना है बिकॉज ये फाइनल के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग फाइनल की वीडियो देख रहे हैं निकल लो पहले से ही, बिकॉज आपका सिलेबस जो है बहुत बड़ा रहता है और आप नहीं कर सकते एक महीने में, ठीक है, बिकॉज आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है पहले से, आई एम एज्यूमिंग दैट, ओके। तो वो पहले से निकल लो यहाँ से, तो इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो आपको अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जो है अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट हो गया फर्स्ट ग्रुप में, मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इस महीने में अगर आपने कुछ किया नहीं है तो इस महीने में अगर आप करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक ही ग्रुप दीजिए, बिकॉज दो दो ग्रुप देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक भी नहीं निकलेगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना दुश्मन अनाज का अगर ना घर का ना घाट का, घर दुश्मन अनाज का, ओके, वैसे ही आपकी बात हो जाएगी। तो आप एक ग्रुप पर फोकस करें आई थिंक, और उसमें भी एक कंडीशन ये है कि आपकी जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आपका हो चुका होना चाहिए, ओके, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप अब तक आपने कुछ भी नहीं किया है CA, आप एग्ज़ाम दे रहे हो इंटरमीडिएट का और आपने अब तक कुछ भी नहीं किया तो आई एम सॉरी, आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट ही ट्राई करना चाहिए, ओके। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ है, ओके। तो आप जो ये जो स्ट्रेटजी है वो वर्क करेगी सिर्फ जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या रहता है, सिर्फ याद रखना होता है अपने को सेक्शंस प्रोविजंस वगैरह और बस वही रिक्के आना होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिकॉज स्पीड के साथ साथ आपको आपको जो है थिंकिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट अभी हम देखेंगे कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उनके लिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपको जो है कॉरपोरेट लॉ आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक रेफरेंस फॉर क्विक रिवीजन ऐसा लिख के आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा PDF डाउनलोड हो जाएगा आपके इसमें। ये PDF डाउनलोड होने के बाद का पूरा आपको चार्ट्स फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो कि आई थिंक बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपको, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो कंपनी लॉ है आपका, कंपनी लॉ उसके साथ साथ में जो अदर लॉज भी है वो सारे के सारे इस छोटे से 25 पेजेस के PDF में आपको मिल जाएंगे, ओके। तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल के इसको आप डेली, ठीक है, इसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसको जो है ये और ऑडिट दोनों को प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और आपको अभी इसको पढ़ना कैसे, आपको इसको रिटेन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ अभी आपके पास बचे हैं 30 दिन, ओके, 30 दिन आपके पास बचे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले एक दिन में 5 पेजेस आपको रट लेने इन द सेंस कि पूरा मतलब रट लेना, आपको पूरा इसको ऐसे रटेंगे कि आपको जो है कुछ भी अगर आपको पूछे तो आपको रिकॉल होना चाहिए, एक ही दिन में पूरा का पूरा रिकॉल नहीं होगा, ओके। तो आपको 5 दिन 5
पेजेस जो है एक दिन में रट लेने हैं, ठीक है। अगले दिन जब आप इसको मतलब पढ़ेंगे रटेंगे तो आपको जो है पहले जो 5 पेजेस आपने मतलब याद किए उन्हीं 5 पेजेस को पहले आपको याद करना है। मतलब पहले तो आपको आग बंद करके याद करना है, उसके बाद में अगर नहीं याद आए तो आपको देखना है। उससे क्या होता है आपकी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कुछ रिटेन करने की कोशिश करते हो और उसके बाद आपको अगर वो याद आ जाता है, आप जब उसको जो है रिकॉल करने की कोशिश करते हो और उसके बाद अगर आपको जो भी आप रिकॉल करना चाहते हो वो याद आ जाता है तो आप वो कभी नहीं भूलते। मतलब कम से कम मोर देन 2 मंथ्स आप उसको नहीं भूलते। ओके, तो आप ट्राई करें कि रिकॉल करने की कोशिश करें। अगर नहीं फिर याद आता है तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना अपने को, फिर उसको देख के आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, ऐसे करके करके आपको जो क्यूमुलेटिव आपको स्टडी करना है। कल जो पढ़ा वो आज पढ़ के फिर आगे पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरे दिन जो दो दिन पढ़ा उसको रीड करके फिर आगे पढ़ना है। ऐसे करके आप क्यूमुलेटिव जब पढ़ेंगे तो आपको जो है आप मान के चलिए कि आपको जो है 1 मंथ में आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा जो कवरेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपने कंपनीज एक्ट पहले पढ़ा हो। ओके, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तक, मतलब आपको कंपनीज एक्ट मालूम ही नहीं मतलब क्या है, तो आप छोड़ दीजिए, आप अगला अटेम्प्ट दीजिए, बिकॉज कुछ नहीं हो सकता 1 महीने में। ओके, तो इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको देख सकते हैं आप ये पूरा का पूरा ऐसे चार्ट्स पैटर्न में आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में दिया है। ओके, और इसको जो है इसमें जो है ये ICA का बनाया हुआ है, तो इसमें कीवर्ड्स जो है डेफिनेटली है और वही कीवर्ड्स उनको चाहिए होते हैं। ओके, तो आप इसको लिखेंगे तो इससे आपको कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे और आपको जो है एग्ज़ाम जो है ईजी जा सकता है। ओके, तो आप ऐसे करके आपको आप स्टडी कर सकते हो और 1 महीने में आप ट्राई मार सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाया है तो कि और आपने अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई के लिए आपको आपको आइडिया है कि आपको अगले 1 महीने में क्या करना है और फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, आप मत देखिए इस वीडियो को। आपने जो भी देखा वो भूल जाइए, ठीक है। और आपने जो जैसे पढ़ाई करी है आपको जो जैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई उसके हिसाब से पढ़िए, बिकॉज दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, तो इन दिस वीडियो इतना ही गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।